কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাও করে লে থসরে টেনশন আরে কাও করে লে থসরে টেনশন জব অফসর বন কে তে কর পে ধমাল ये कैसे होगा सर हेलो फ्रेंड्स, कल तक हमने क्या पढ़ा था? तो आपने देखा कि कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था, जलवायु, मौसम एवं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वर्षा के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था, साथ में उसका क्या किया था, एमसीक्यू भी सॉल्व किया था। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो किस पर रहेगा, अपवाह तंत्र पर रहेगा, और पूरा जो एक लेक्चर है वो किस पर रहेगा, महानदी अपवाह तंत्र पर रहेगा। तो स्वागत करता हूं मैं आपका कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिस पर हम क्या करा रहे हैं आपको, एमसीक्यू के माध्यम से संपूर्ण सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन कर लेता हूं पिछले एक दो वीडियो में जो हमने पढ़ा है उसके बारे में। जैसे कि मिट्टी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सबसे अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जल्दी से बताएं आप। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी। दूसरा, आप बताएंगे किस किस मृदा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से मिट्टियों को रखा गया है, और जलवायु की परिभाषा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे, जलवायु की परिभाषा कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताएंगे। आगे आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, टॉपिक क्या है आज का हमारा, महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, अब महानदी अपवाह तंत्र, तो अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम किसके कहा जाता है। तो अपवाह तंत्र के अंतर्गत एक शब्द यूज होता है कि अपवाह तंत्र जो है वह एक मुख्य नदी और उसकी अन्य सहायक नदियों की क्या है, एक संरचना है। अपवाह तंत्र क्या है, एक मुख्य नदी एवं उसकी अन्य सहायक नदियों की क्या है, संरचना है। अब क्या होता है मुख्य नदी और क्या होता है सहायक नदी, तो ऐसी नदियां जो कहीं पर्वतों से, पठारों से क्या हो रही है, उद्गमित हो रही है और सीधे जाकर कहां मिल रही है, तो वो आपको सीधे जाकर समुद्र में मिल रही है। तो ऐसी नदियां जिनका उद्गम हो रहा है और उद्गम होने के उपरांत वो क्या हो रही है, सीधे जाकर कहां मिल रही है, समुद्र में मिल रही है, तो वो नदियां क्या कहलाती है, मुख्य नदियां कहलाती है। समझ में आ गया। दूसरा है सहायक नदी। सहायक नदी भी कहीं ना कहीं से, किसी न किसी पर्वतों से, कोई पठारों से उद्गमित होगी, लेकिन ये जो सहायक नदियां होती है ये समुद्र में न मिलने के बजाय किससे मिल जाती है, किसी एक अन्य नदी से मिल जाती है। तो अगर ऐसी नदी जो कहीं से उद्गमित होने के बाद क्या हो रही है, किसी अन्य नदी से मिल जा रही है, तो वो नदी क्या कहलाएगी, उसकी सहायक नदी कहलाएगी। तो अपवाह तंत्र क्या है, एक मुख्य नदी एवं उसकी कई अन्य सहायक नदियों की क्या है, संरचना है। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, पर्टिकुलर किसी एक मुख्य नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है, जिसके तहत आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं, महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। आइए चलते हैं, देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है, ठीक है, स्क्रीन पर है आपके, कि महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्रफल एवं कितने प्रतिशत हिस्से में विस्तृत है। महानदी जो अपवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्रफल एवं कितने प्रतिशत हिस्से में क्या है, विस्तृत है। ठीक है, ये क्या दिया गया है आपको, पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्या है ऑप्शन, 77,902 किलोमीटर स्क्वायर व 56.55%। दूसरा दिया गया है 77.432 किलोमीटर स्क्वायर व 56.15%। तीसरा दिया है 56.560 किलोमीटर स्क्वायर व 55.55%। चौथा क्या दिया है, 54.902 किलोमीटर स्क्वायर व 56.15%। तो कितना क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का अधिग्रहित करता है और उतने क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत महानदी अपवाह तंत्र का है, यह आपको क्या करना है, आंसर देना है। देंगे आंसर, चलिए जल्दी दीजिए आंसर। तो हो गया,
कर लिया आप अपना आंसर प्रिपेयर? चलो पहले अब अपन देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो अपवाह तंत्र है वो कितने अपवाह तंत्र है और कौन सा अपवाह तंत्र कितने क्षेत्रफल पर है, कितने प्रतिशत हिस्सा वो कवर करता है, इस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं फिर इसका आंसर देंगे। तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत टोटल कितने अपवाह तंत्र हैं? तो 5 अपवाह तंत्र हैं। कितने अपवाह तंत्र? 5 अपवाह तंत्र हैं। ठीक है, कितने अपवाह तंत्र हैं? 5 अपवाह तंत्र हैं। ठीक, पहला अपवाह तंत्र क्या आपका? तो पहला अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र? महानदी अपवाह तंत्र। और महानदी जो अपवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़ के 77.432 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे क्या है? विस्तृत है। और ये छत्तीसगढ़ का 56.15 प्रतिशत हिस्सा क्या करता है ये, या 15% जो एरिया है वो किसमें है? महानदी अपवाह तंत्र में है। और जो महानदी अपवाह तंत्र है ये छत्तीसगढ़ के मध्य एवं पूर्व, छत्तीसगढ़ के मध्य एवं पूर्व दिशा में क्या है? विस्तृत होता है, बहता है, उत्प्लावित होता है। ठीक, अगला है अपना गोदावरी इंद्रावती अपवाह तंत्र। ठीक है, कौन सा अपवाह तंत्र? गोदावरी इंद्रावती अपवाह तंत्र। गोदावरी इंद्रावती जो अपवाह तंत्र है ये छत्तीसगढ़ के 39.49 किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत है ये। ठीक है, कितना? 39.49 किलोमीटर स्क्वायर पे क्या है ये? विस्तृत है। और छत्तीसगढ़ का 28.64%, ठीक है, कितना? छत्तीसगढ़ के टोटल क्षेत्रफल का 28.64% क्षेत्रफल किसका है? तो गोदावरी अपवाह तंत्र का है। ठीक है, और इसकी दिशा क्या? तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में गोदावरी अपवाह तंत्र क्या है? विस्तृत है। अगला है आपका सोन गंगा अपवाह तंत्र। सोन गंगा अपवाह तंत्र। सोन गंगा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो यह है आपका 18.78 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना है? 18.78 किलोमीटर स्क्वायर। और कितना प्रतिशत एरिया? तो 13.63% एरिया। किस दिशा में है सोनगंगा अपवाह तंत्र? तो छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में क्या है? विस्तृत है। फिर एक है आपका ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र जो है ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 1.42 किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत है। 1.42 किलोमीटर स्क्वायर और 1.03% एरिया ये कवर करता है। और कस दिशा में? तो ये छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, कौन सी दिशा में है? छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में है। अंतिम है आपका नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा अपवाह तंत्र जो है ये 0.75 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे है और 0.55% एरिया कवर करता है। और नर्मदा अपवाह तंत्र जो है ये आपका छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में है। ठीक है, कौन सी दिशा में है? छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में है। क्लियर है? ठीक, पढ़ लिए आप इसको? पढ़ लिए ना? ठीक, अब आप आंसर अलग आएंगे। चलो अब आप आते हैं अपने किसमें, क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं? महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्रफल एवं कितने प्रतिशत हिस्से में विस्तृत है? 77.902 किलोमीटर स्क्वायर व 56.55%। 77.432 किलोमीटर स्क्वायर देखा था हमने, 77.432 किलोमीटर स्क्वायर था और साथ ही 56.15% एरिया ये क्या कर रहा था? कवर कर रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत टोटल कितने अपवाह तंत्र? तो 5 अपवाह तंत्र। 5 अपवाह तंत्र में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा? तो महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा? नर्मदा अपवाह तंत्र। क्लियर है? नर्मदा अपवाह तंत्र की दिशा क्या? तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम में। महानदी अपवाह तंत्र की दिशा क्या? तो छत्तीसगढ़ के मध्य एवं पूर्व में। गोदावरी अपवाह तंत्र दक्षिण में, सोनगंगा उत्तर और ब्राह्मणी जो है वो उत्तर पूर्व में। क्लियर?
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा कथन महानदी के संबंध में असत्य है? कौन सा जो कथन है वह महानदी के संबंध में असत्य है पूछा जा रहा है। पहला क्या बोल रहा है, महानदी पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज राजिम में बना है। क्या बोल रहा है, महानदी पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज कहां बना है, तो राजिम में बना है। दूसरा बोल रहा है, इस सस्पेंशन ब्रिज का लोकार्पण 10 मार्च 2022 को किया गया। तीसरा बोल रहा है, रायगढ़ में महानदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है और यह जो पुल है यह पुसौर सूरजपुर व नंदी गांव के मध्य में है। ये चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको और आपको जानना क्या है, तो कौन सा जो कथन है वह असत्य है ये जानना है। ठीक है, इसके लिए आपको इन सभी स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन तो आप बिल्कुल आराम से बना लेंगे कि महानदी पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज कहां पर बनाया गया है, राजिम में बनाया गया है, ये बिल्कुल सभी को पता ही होगा। ठीक है, पता है कि नहीं है, है ना, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। ठीक, कहां पर बना है, राजिम में बना है। दूसरा क्या बोल रहा है, इस सस्पेंशन ब्रिज का लोकार्पण 10 मार्च 2022 को किया गया। ठीक, क्या बोल रहा है, इस सस्पेंशन ब्रिज का लोकार्पण 10 मार्च 2022 को किया गया। यहां पर ऑप्शंस को आप सही कर लेना, ये आपका बी हो जाएगा, ये सी और डी, सभी में ए हो गया है, इंग्लिश वाला सही है। ठीक, तो ये जो सस्पेंशन ब्रिज है इसका लोकार्पण 10 मार्च को नहीं किया गया था, इसका लोकार्पण किया गया था 1 मार्च 2022 को। कब किया गया था, 1 मार्च 2022 को किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था पूछे आपको, तो हमारे माननीय कका, ठीक है, हमारे माननीय से मुख्यमंत्री कौन, भूपेश बघेल जी के द्वारा क्या किया गया है, इस सस्पेंशन ब्रिज का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, कब किया गया, तो 1 मार्च 2022 को किया गया। ठीक है, तो दूसरा कथन क्या हो जा रहा है आपका, असत्य हो जा रहा है, और छांटना भी क्या है अपने को, असत्य। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स पर भी क्या कर लेते हैं, हम अपन चर्चा कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, रायगढ़ में महानदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है। बिल्कुल सही है, रायगढ़ में महानदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है, और ये जो सबसे लंबा सड़क पुल है इसकी लंबाई है 1830 मीटर। ठीक है, कितना है, 1830 मीटर, मतलब 1.830 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, सबसे लंबा क्या है ये, नदी सड़क पुल है। ठीक, और ये जो पुल है ये पुसौर सूरजपुर व नंदी गांव के मध्य में है। ठीक, पुसौर सूरजपुर व नंदी गांव के मध्य में है, यह कथन भी बिल्कुल सही है कि ये जो पुल बनाया गया है ये रायगढ़ के अंतर्गत पुसौर सूरजपुर व नंदी गांव के मध्य में स्थित है। क्लियर, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे हैं, महानदी पर निर्मित कौन सा बैराज शक्ति जिले में नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, महानदी पर निर्मित कौन सा जो बैराज है वो नव निर्मित जो शक्ति जिला है उसमें नहीं है। साराडी, मिरौनी, कलमा और बसंतपुर, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, इनमें से जो कौन सा बैराज है वो शक्ति जिले में नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बैराज क्या होता है, तो बैराज क्या होता है, ये नदियों के जल की जो प्रवाह की दिशा है उसको मोड़ने के लिए बनाया गया एक व्यपवर्तन है। ठीक है, क्या किया जाता है, नदियों के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए क्या किया जाता है, एक व्यपवर्तन बनाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, बैराज कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा कौन सा जो बैराज है वो शक्ति जिले में नहीं है बोला जा रहा है, तो जो साराडी, मिरौनी और कलमा जो बैराज है ये महानदी पर कहां पर है, शक्ति जिले में है। ठीक है, कहां पर है ये, शक्ति जिले में है। ये जो आप बसंतपुर देख रहे हैं, और बसंतपुर के अलावा शिवरी नारायण, बसंतपुर और शिवरी नारायण, ठीक है, क्या बसंतपुर और शिवरी नारायण, ये दोनों जो बैराज हैं ये जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, कौन से जिले में है, जांजगीर चांपा जिले में है। और साथ ही एक और बैराज है समोदा बैराज महानदी पर, कौन सा बैराज, समोदा बैराज, जो कि रायपुर जिले में है। ठीक है, कौन से जिले में है, रायपुर जिले में। ठीक है, तो ये क्या है आपके महानदी पर निर्मित कुछ बैराज है, कौन कौन से, साराडी, मिरौनी और कलमा, कहां पर, शक्ति में, बसंतपुर, शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, समोदा, रायपुर में। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, बसंतपुर, डी, महानदी पर निर्मित कौन सा बैराज शक्ति जिले में नहीं है, तो बसंतपुर बैराज शक्ति जिले में नहीं है। बसंतपुर बैराज कौन से जिले में, तो जांजगीर चांपा जिले में। अगला, महानदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें बोल रहे हैं आपको। ठीक है, महानदी के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला क्या बोल रहा है, 5 नए जिलों के गठन उपरांत महानदी 9 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में प्रवाहित होती है, 9 जिलों में प्रवाहित होती है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है,
33 जिलों के अनुसार महानदी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में अंतिम रूप से प्रवाहित होती है। मतलब जो 33 जिले अभी हमारे पास अस्तित्व में आ चुके हैं उसके हिसाब से महानदी जो है वो सबसे लास्ट में कौन से जिले में प्रवाहित हो रहा है, तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में प्रवाहित हो रहा है, ऐसा इस कथन का कहना है। उसके बाद ये किसी दूसरे राज्य में चले जा रहा है, किस राज्य में चले जा रहा है, तो रायगढ़ राज्य में चले जा रहे, सॉरी रायगढ़ बोलता हूँ यार मैं भी, क्या है, उड़ीसा राज्य में चले जा रहे हैं ना। तीसरा क्या बोल रहा है, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में प्रवाहित होती है। क्या बोल रहा है, पूछ नहीं रहे आपको कि महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, शिवनाथ है, ये नहीं पूछ रहे। क्या पूछा जा रहा है, महानदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ वो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में, तो 8 जिलों में प्रवाहित हो रही है पूछ रहे हैं। और चौथा क्या बोल रहा है, शिवनाथ नदी सर्वप्रथम राजनांदगांव जिले में प्रवाहित होती है। क्लियर है, बना लेंगे आंसर। क्या कहा जा रहा है आपको, असत्य कथनों की पहचान करें बोल रहा है, ठीक है, आपको असत्य कथन छांटने हैं। क्या छांटना है, असत्य कथन छांटना है, इनमें कौन से कथन जो है असत्य हैं। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं महानदी के बारे में कि महानदी कहाँ से निकल रहा है, कौन कौन जिलों में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। 33 जिलों से पहले मतलब जो वर्तमान में 5 नए जिले गठित हुए हैं, उन 5 नए जिलों के गठन से पहले वो कितने जिलों में प्रवाहित हो रहा था, और 5 नए जिलों के गठन उपरांत किन किन जिलों में प्रवाहित हो रहा है, इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ वो कौन कौन से जिलों में प्रवाहित हो रही है, कितने जिलों में प्रवाहित हो रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन सबसे पहले एक क्या कर लेते हैं, विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम बनाएंगे, ठीक। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो महानदी है वो निकलती कहाँ से है। तो ध्यान में रखना, महानदी कहाँ से निकलती है तो हम सबको पता ही है ना, कि ऐसा छत्तीसगढ़ में कोई नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा कि महानदी कहाँ से निकलती है। तो महानदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है सिहावा पर्वत से, ठीक है, कौन से पर्वत से, तो सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत के अंतर्गत एक स्थान है फरसिया, ठीक है, क्या है स्थान, फरसिया, सिहावा पर्वत के अंतर्गत स्थान क्या, फरसिया, सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान धमतरी से कौन सी नदी निकल रही है, महानदी निकलती है, ठीक है, कौन सी नदी निकलती है, तो महानदी निकलती है कहां से, सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत के अंतर्गत फरसिया नामक स्थान, फरसिया नामक स्थान धमतरी जिले से कौन सी नदी निकल रही है आपकी, महानदी निकल रही है। ये जो महानदी है धमतरी जिले से निकल रही है, मतलब सबसे पहले कहां पर प्रवाहित होगी, तो धमतरी जिले में ही प्रवाहित होगी, और धमतरी जिले में प्रवाहित होने के उपरांत ये जो नदी है ये पहुंचती है कांकेर जिले में, ठीक है, कौन से जिले में पहुंच रही है, ये कांकेर जिले में। जब ये नदी कांकेर जिले में पहुंचती है तब एक पहाड़ी है कांकेर जिले में जिसका नाम है मलाज कुंड की पहाड़ी, ठीक है, कौन सी पहाड़ी, मलाज कुंड पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, मलाज कुंड पहाड़ी। इस मलाज कुंड पहाड़ी कांकेर से एक नदी निकलती है, ठीक है, जिसका नाम है दूध नदी, कौन सी नदी, दूध नदी। मलाज कुंड पहाड़ी कांकेर से एक नदी निकलती है दूध नदी, जो कि कांकेर में ही क्या हो जा रही है, महानदी में जाकर मिल जा रही है, महानदी से संगम उसका हो जा रहा है, ठीक है। तो कांकेर नदी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र किस जिले में प्रवाहित, सॉरी कांकेर नदी बोलो, दूध नदी मात्र किस जिले में प्रवाहित हो रही है, तो कांकेर जिले में प्रवाहित हो रही है। और ये जो दूध नदी है ये महानदी में मिलने वाली पहली नदी है, या महानदी की पहली सहायक नदी है, कौन सी नदी आपकी, दूध नदी, कहां पर मिल रहा है, कांकेर में, कहां से उद्गमित हो रहा है, तो कांकेर से ही। कांकेर के बाद ये जो महानदी है ये पहुंच जाता है बालोद, ठीक है, कहां पहुंचता है ये, बालोद पहुंचता है, और बालोद के उपरांत महानदी पुनः धमतरी जिला पहुंचता है, ठीक है, कहां पहुंचता है, पुनः धमतरी जिला पहुंचता है, ठीक, मतलब धमतरी से निकला, धमतरी से निकलकर कहां आ गया, कांकेर आ गया, कांकेर से बालोद चले गया, और बालोद से फिर कहां आ गया ये, तो ये आ गया फिर से धमतरी। और जब दूसरी बार ये धमतरी आता है ना, जब दूसरी बार ये धमतरी आता है तो इससे एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सिलियारी नदी, कौन सी नदी, सिलियारी नदी, कौन सी नदी, सिलियारी नदी जो है ये, जब महानदी दूसरी बार धमतरी पहुंचता है तब उसमें आकर क्या होती है ये, मिलती है, उसकी सहायक नदी बनती है। और जो सिलियारी नदी है ये गट्टा सिल्ली, ठीक है, कौन सा जगह, तो गट्टा सिल्ली धमतरी से उद्गमित होती है, और धमतरी में ही आकर क्या हो जाती है, सिलियारी नदी महानदी में मिल जाती है, समझ में आ गया। फिर ये जो महानदी है धमतरी के बाद आगे ये पहुंचती है कहां पर, तो राजिम में, ठीक है, कहां पहुंचता है, राजिम।
राजिम किस जिले में, तो गरियाबंद जिले में, मतलब धमतरी के उपरांत किस कौन से जिले में प्रवेश कर रहा है ये, तो ये गरियाबंद जिले में प्रवेश कर रहे हैं। गरियाबंद जिले के अंतर्गत एक नहीं दो राजिम में त्रिवेणी संगम होता है, तो एक है आपका पैरी नदी, ठीक है, कौन सी नदी, पैरी नदी, और दूसरा है आपका सोनढूर नदी, कौन सा नदी, सोनढूर नदी, पैरी नदी और सोनढूर नदी आकर क्या होती है राजिम में महानदी से मिल जाती है और एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, ठीक है। तो पैरी नदी कहां से निकलता है जल्दी से बताइए, पैरी नदी कहां से निकलता है, तो पैरी नदी निकलता है आपका कहां, भात्रीगढ़ पहाड़ी गरियाबंद से, है ना, और कहां पर आकर गरियाबंद के अंतर्गत वो क्या हो जाता है महानदी में मिल जाता है। और ये जो सोनढूर नदी है ये नवरंगपुर क्षेत्र, ठीक है, नवरंगपुर पर्वत कहां से निकलता है, उड़ीसा से निकलता है, उड़ीसा से आने के बाद ये कहां पर, तो राजिम में महानदी से मिल जाता है। इसके उपरांत जो महानदी है आगे बढ़ता है गरियाबंद से ये, और गरियाबंद के उपरांत ये पहुंचता है रायपुर जिले में, किस जिले में पहुंचता है रायपुर जिले में, है ना, और रायपुर के उपरांत फिर ये महानदी आपका आ जाता है महासमुंद जिले में, किस जिले में, महासमुंद, रायपुर, रायपुर के उपरांत कहां, महासमुंद, और महासमुंद से फिर जो आपकी कौन सी नदी है महानदी, ये पहुंचती है बलौदा बाजार जिला, ठीक, कौन सा जिला, बलौदा बाजार जिला, और जब बलौदा बाजार जिले में ये नदी पहुंचती है तब इससे एक नदी आकर मिलती है और उस नदी का नाम है बलमदेही नदी, कौन सी नदी, बलमदेही नदी, ये जो बलमदेही नदी है ये बलमदेही नदी आपका कहां से निकलता है बोले तो बार नवा पारा क्षेत्र महासमुंद से, बार नवा पारा क्षेत्र महासमुंद से क्या होती है ये नदी आपकी जो बलमदेही नदी है ये निकलती है और बलौदा बाजार में आकर क्या हो जाती है महानदी से मिल जाती है। बलौदा बाजार के उपरांत जो महानदी है ये पहुंचता है कहां पर, तो ये पहुंच जाता है आपका जांजगीर चांपा जिले में, किस जिले में पहुंचता है, जांजगीर चांपा जिले में, जांजगीर चांपा तक पहुंचा दिए इसको, किसको पहुंचा दिए, महानदी को, कहां से निकल रहा है महानदी, तो महानदी जो है आपका वो निकल रहा है सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान धमतरी से, और सिहावा पर्वत से निकलने के उपरांत धमतरी से प्रवाहित होने के बाद ये कहां पहुंच रही है, कांकेर, कांकेर में आकर कौन सी नदी इससे मिल रही है, तो दूध नदी मिल रही है, दूध नदी क्या है, महानदी में मिलने वाली पहली नदी है, महानदी की पहली सहायक नदी है, कहां से निकल रहा है दूध नदी, तो मलाज कुंड की पहाड़ी कांकेर से निकल रहा है, ठीक, फिर कांकेर के बाद कहां जा रहा है ये, बालोद, बालोद से धमतरी, जब दूसरी बार धमतरी में आ रहा है तब कौन सी नदी मिल रही है, सिलियारी नदी मिल रही है, सिलियारी नदी कहां से निकल रहा है, तो गट्टा सिल्ली क्षेत्र धमतरी से निकल रहा है। इसके अलावा जब महानदी दूसरी बार धमतरी में प्रवेश करती है तब उस पर कौन सा बांध बना है, तो गंगरेल बांध या पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय बना है 1978-79 के टाइम पर, ठीक है। फिर धमतरी से ये कहां पहुंच रहे हैं, राजिम, मतलब कौन सा जिला, गरियाबंद, गरियाबंद में पैरी नदी और सोनढूर नदी का क्या हो जा रहा है, संगम हो जा रहा है। इसके बाद महानदी कहां पहुंच रहा है, गरियाबंद से रायपुर, रायपुर से महासमुंद, महासमुंद से बलौदा बाजार, जब बलौदा बाजार पहुंच रहा है तो कौन सी नदी, बलमदेही नदी, बलमदेही नदी कहां से निकल रहा है, बारनवा पारा क्षेत्र महासमुंद से निकल रहा है और बलौदा बाजार में आकर क्या हो जा रहा है, तो ये महानदी से मिल जा रहा है। और बलौदा बाजार के उपरांत जो महानदी है कहां पहुंच गया, तो वो पहुंच गया जांजगीर चांपा जिला में, ठीक। अब इसके उपरांत अपन जांजगीर चांपा में रोक देते हैं किसको, महानदी को, और थोड़ा सा फिर से नीचे आते हैं, एक पहाड़ी है या एक ग्राम याद रखना आप, गढ़चिरौली, ठीक है, कौन सा ग्राम, गढ़चिरौली, ठीक है, एक ग्राम का याद रखना, गढ़चिरौली के अंतर्गत गोड़री ग्राम, कौन सा ग्राम, तो गोड़री ग्राम गढ़चिरौली महाराष्ट्र, ठीक है, से या और या पाना बरस की पहाड़ी, यहां लिख देता हूं मैं, पाना बरस पहाड़ी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, पाना बरस की पहाड़ी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के कोलगुल नामक स्थान से 626.4
चार मीटर की ऊंचाई से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है शिवनाथ नदी। ठीक है, कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। सर दो क्यों बोल रहे हो? तो भाई ध्यान में रखना कि जो शिवनाथ नदी है उसके लिए नया डाटा क्या आपको प्रस्तुत किया गया है कि जो शिवनाथ नदी है ये गोडरी ग्राम गढ़चिरौली महाराष्ट्र से क्या होता है निकलता है और छत्तीसगढ़ में आकर सबसे पहले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में प्रवाहित होता है। लेकिन सारे पुराने डाटा में आपको क्या मिलेगा कि जो शिवनाथ नदी है ये पाना बरस की पहाड़ी, ठीक है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत कोलगुल नामक स्थान से 626.4 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ये सारे क्या है? पुराने डाटा है। इतना तक डाटा दिया गया था कि 626.4 मीटर की ऊंचाई से, ग्रंथ अकादमी में ये डाटा दिया हुआ है कि जो पाना बरस पहाड़ी है उसके कोलगुल नामक स्थान से 626.4 मीटर की ऊंचाई से कौन सी नदी निकलती है? तो शिवनाथ नदी निकलती है। लेकिन अभी वर्तमान में आपको क्या जानना है कि गढ़चिरौली गोडरी ग्राम महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकल रही है? शिवनाथ नदी निकल रही है। ये जो शिवनाथ नदी है ये कहीं से भी निकले, चाहे वो गढ़चिरौली से निकले चाहे पाना बरस की पहाड़ी से निकले, सबसे पहले ये प्रवाहित किस जिले में होता है? तो ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में होता है। ठीक है, कौन से जिले में सबसे पहले प्रवाहित हो रहा है? तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में प्रवाहित हो रहा है। चाहे वो गढ़चिरौली महाराष्ट्र से निकले तब भी सबसे पहले छत्तीसगढ़ में किस जिले में प्रवेश कर रहा है? तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से निकलेगा तो वहां तो सबसे पहले प्रवाहित होगा ही होगा। तो सबसे पहले कहां प्रवाहित होगा? तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के उपरांत ये जो शिवनाथ नदी है ये पहुंचती है राजनांदगांव। ठीक है, कहां पहुंच रहा है ये? राजनांदगांव पहुंच रहा है। क्लियर है यहां तक? और राजनांदगांव के उपरांत ये नदी पहुंचता है फिर दुर्ग। कहां पहुंचता है? दुर्ग। राजनांदगांव के उपरांत ये नदी कहां पहुंच जा रहा है? दुर्ग। ठीक, अब जैसे कि शिवनाथ नदी का उद्गम है ना, इसके लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहां से उद्गम हो रहा है इसका, और ऑप्शन में गढ़चिरौली और पाना बरस दोनों रहेगा, तो आप क्या लगाएंगे? गढ़चिरौली को लगाएंगे। समझ में आ गया? लेकिन मान के चलो अगर गढ़चिरौली नहीं रहता है तब आप क्या लगाएंगे? पाना बरस को आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों उपस्थित हैं आंसर में, ठीक है, क्वेश्चन के अंतर्गत, तो आप क्या करेंगे? गढ़चिरौली को पहली प्राथमिकता देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब जब शिवनाथ नदी दुर्ग जिले में पहुंचता है, ठीक है, कहां पहुंच रहा है? दुर्ग जिले में पहुंचता है, तो सबसे पहले इससे एक नदी आकर मिलती है और इस नदी का नाम है खरखरा नदी। कौन सी नदी? खरखरा नदी, है ना। और खरखरा नदी जो है ये डोंडी लोहारा की पहाड़ी बालोद से निकलता है। ठीक है, कहां से निकलता है? डोंडी लोहारा की पहाड़ी बालोद से निकलता है। कौन सी नदी आपकी? खरखरा नदी। कौन सी नदी? खरखरा नदी। और यहां से निकलने के बाद दुर्ग में आकर क्या हो जा रहा है ये? तो ये शिवनाथ नदी में इसका संगम हो जा रहा है। फिर दुर्ग के बाद दुर्ग जिले में ही क्या होता है? एक जगह है दुर्ग के अंतर्गत जिसका नाम है भरदा। ठीक है, कौन सा जगह है दुर्ग जिले के अंतर्गत? भरदा। इस भरदा नामक स्थान पर जो तांदुला नदी है, ठीक है, कौन सी नदी? तांदुला नदी। ये तांदुला नदी जो है ये निकलता है भानुप्रतापपुर पहाड़ी कांकेर से। भानुप्रतापपुर कांकेर से एक नदी निकलती है, कौन सी? तांदुला नदी। और तांदुला नदी दुर्ग जिले के भरदा नामक स्थान पर क्या हो जा रहा है? तो ये शिवनाथ नदी से मिल जा रहा है, शिवनाथ नदी में इसका संगम हो जा रहा है। क्लियर है? दुर्ग वाले लोग तो जानते ही होंगे, है ना। दुर्ग वाले लोग का क्या है? ये पिकनिक पॉइंट है, खास करके लड़के लोगों का है कि नहीं है बताओ। दुर्ग वाले अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो दुर्ग वालों का क्या है? ये पिकनिक पॉइंट है। कहां पर? भरदा, दुर्ग के अंतर्गत भरदा। भरदा में जो तांदुला नदी है वो क्या हो जा रही है? शिवनाथ नदी से मिल जा रही है। और तांदुला नदी कहां से निकल रहे हैं? तो भानुप्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर से निकल रहे हैं। फिर जो आपका शिवनाथ नदी है वो दुर्ग के अंतर्गत एक और स्थान पर पहुंचता है जिसका नाम है सगनी घाट। ठीक है, कौन सा घाट? सगनी घाट। और जब ये सगनी घाट पहुंचता है तो सगनी घाट में एक और नदी आकर मिलती है जो कि निकलती है कांदावानी की पहाड़ी से। ठीक है, किस पहाड़ी से निकलती है? कांदावानी की पहाड़ी से।
अब हमने जब मैकल पर्वत जब पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, तो मैकल पर्वत जब पढ़ रहे थे तो हम देखे थे कि मैकल पर्वत के पूर्व से और मैकल पर्वत के पश्चिम से दो दो नदियां निकल रही थी। जल्दी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए मुझे कि मैकल पर्वत के पश्चिम से कौन सी दो नदियां निकल रही है और पूर्व से कौन सी दो नदियां निकल रही है। तो ये जो मैकल पर्वत है, मैकल पर्वत के अंतर्गत जो कांदावानी पहाड़ी है, इस कांदावानी पहाड़ी के पश्चिम से दो नदी और इसके पूर्व से दो नदी। पश्चिम से कौन सी दो नदी निकल रही है, तो पश्चिम से दो नदी निकलती है बंजर और ताड़ा, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। और पूर्व से कौन सी दो नदी निकल रही है, तो आमनेर और हाफ। कौन सी नदी, आमनेर नदी और हाफ नदी। एक नदी निकल रही है आमनेर और एक नदी निकल रही है क्या, हाफ आमनेर। ये जो आमनेर नदी है, ये कांदावानी पहाड़ी के पूर्व से निकलकर कहां पर पहुंचता है, दुर्ग, और दुर्ग के अंतर्गत सगनी घाट में क्या हो जाता है, ये शिवनाथ नदी से मिल जाता है। दुर्ग के अंतर्गत सगनी घाट में क्या हो जाता है, ये शिवनाथ नदी से मिल जाता है। अगर आप दुर्ग शहर में हैं और दुर्ग से धमधा की ओर आप जाएंगे तो बीच में आपको क्या मिलेगा, सगनी घाट मिलेगा, जहां पर शिवनाथ और आमनेर नदी का क्या है, संगम है। क्लियर है। इसके उपरांत ये जो शिवनाथ नदी है, ये पहुंचता है बेमेतरा जिला। ठीक है, कहां पहुंचता है, बेमेतरा जिला, और बेमेतरा के अंतर्गत नांद घाट। ठीक है, कौन सा जिला, बेमेतरा, और बेमेतरा के अंतर्गत स्थान क्या, नांद घाट, है ना। और नांद घाट में जो शिवनाथ नदी है, उससे कांदावानी पहाड़ी के पूर्व से निकलने वाली दूसरी नदी, नाम क्या, हाफ नदी। ये हाफ नदी बेमेतरा के नांद घाट में क्या हो जाता है, शिवनाथ नदी से मिल जाता है। समझ में आ गया, कांदावानी पहाड़ी के पूर्व से, कहां से, तो कांदावानी पहाड़ी के पूर्व से दो नदी, कौन सी, आमनेर और हाफ। आमनेर नदी कहां पर, तो दुर्ग के सगनी घाट में, और हाफ नदी कहां, तो बेमेतरा के नांद घाट में क्या हो रहा है, शिवनाथ नदी से मिल रहा है। समझ में आ गया। इसके उपरांत जो शिवनाथ नदी है, यह पहुंच जाता है मुंगेली। कहां पहुंच जाता है, मुंगेली, बेमेतरा से मुंगेली, और मुंगेली से फिर शिवनाथ नदी आपका पहुंचता है बलौदा बाजार। कहां पहुंचता है, बलौदा बाजार पहुंचता है। मुंगेली से कहां पहुंच रहा है, बलौदा बाजार। और जब बलौदा बाजार पहुंचता है कौन सा नदी आपका, शिवनाथ नदी, तो इससे एक नदी आकर मिलती है। नदी का नाम बताएंगे आप, बालोद के अंतर्गत पेटेचुआ की पहाड़ी से निकलती है ये नदी। कौन से पहाड़ी से, पेटेचुआ की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी आपकी, खारून नदी, है ना। कौन सी नदी, खारून नदी। और ये जो खारून नदी है आपका, ये खारून नदी क्या हो रहा है, पेटेचुआ पहाड़ी बालोद से निकल रहा है, और बालोद से निकलने के बाद कहां कहां प्रवाहित होता है, तो दुर्ग, दुर्ग से रायपुर, और रायपुर से कहां, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में आकर क्या होता है, ये शिवनाथ नदी से मिल जाता है। बलौदा बाजार के किस क्षेत्र में, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, बलौदा बाजार के किस क्षेत्र में मिलता है, और वहां पर जहां पर संगम हो रहा है खारून और शिवनाथ नदी का, उस संगम पर कौन सा मंदिर है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। ठीक, तो खारून नदी क्या हो रहा है, बलौदा बाजार में आकर शिवनाथ नदी से मिल जा रहा है। क्लियर। इसके बाद बलौदा बाजार में ही, कहां पर, बलौदा बाजार में ही एक अन्य नदी जिसका नाम है जमुनिया नदी। ठीक है, क्या नाम है, जमुनिया नदी। ये जो जमुनिया नदी है, ये बलौदा बाजार से ही निकलता है, और बलौदा बाजार में ही क्या हो जाता है, शिवनाथ नदी में मिल जाता है। ठीक, बता दिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक, गुड। आगे फिर ये जो शिवनाथ नदी है, ये बलौदा बाजार से पहुंचता है बिलासपुर। कहां पहुंचता है, बिलासपुर। और जब बिलासपुर पहुंचता है, तो इसमें सबसे पहले बिलासपुर जब ये पहुंचता है नदी आपका ना, तो बिलासपुर जब पहुंचता है, तो बिलासपुर में एक हम पढ़े थे नदी, जो कि कहां से निकल रहा था, लोरमी पठार से निकल रहा था। लोरमी पठार से कौन सी नदी निकल रही थी, तो मनियारी नदी निकल रही थी, मनियारी नदी। तो लोरमी पठार मुंगेली से जो मनियारी नदी निकल रही थी, वो बिलासपुर में क्या हो जा रहा है, बिलासपुर। बिलासपुर के अंतर्गत क्या पढ़े थे हम मनियारी नदी के लिए, ताला गांव, अमेरिकापा ताला। इस अमेरिकापा ताला नामक स्थान पर जो मनियारी नदी है, वो क्या हो जा रही है, शिवनाथ नदी से मिल जा रही है। क्लियर है। तो मनियारी नदी कहां पर, बिलासपुर में आकर किससे मिल गई, तो शिवनाथ नदी से मिल गई। इसके अलावा एक और नदी है जो कि निकलती है पेंड्रा पठार से। ठीक है, कहां से निकलता है, पेंड्रा पठार से निकलता है। कौन सी नदी,
तो पिंडरा पठार से आपका निकलता है कौन सा नदी? अरपा नदी। कौन सा नदी? अरपा नदी। और अरपा नदी भी बिलासपुर में ही क्या हो जा रहा है? शिवनाथ नदी में मिल जा रहा है। अरपा नदी कहां पर? तो बिलासपुर में ही शिवनाथ नदी में मिल जा रहा है। समझ में आ गया? बताएंगे आप लोरमी पठार के कौन से स्थान से मनियारी नदी निकलती है और पिंडरा पठार के अंतर्गत जो कौन सी पहाड़ी है उससे आपकी अरपा नदी निकलती है। जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर ये जो शिवनाथ नदी है ये पहुंच जाता है जांजगीर चांपा जिले में। कौन से जिले में पहुंचता है? जांजगीर चांपा जिले में। और जब ये जांजगीर चांपा जिले में पहुंचता है तब इसमें एक नदी मिलती है जो कि निकलती है दीपका पठार से। ठीक है, कहां से निकलता है? दीपका पठार कोरबा से। दीपका पठार कोरबा से निकलती है एक नदी जिसका नाम है लीलागर नदी। ठीक, कौन सी नदी? लीलागर नदी। दीपका पठार कोरबा से निकलकर ये लीलागर नदी जो है जांजगीर चांपा आती है और जांजगीर चांपा में ये जो लीलागर नदी है किससे मिल जाती है? शिवनाथ नदी से मिल जाती है। समझ में आ गया? किससे मिल जाता है? शिवनाथ नदी से मिल जाता है। फिर जो आपका शिवनाथ नदी है ये क्या होता है? जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के अंतर्गत क्या? तो जांजगीर चांपा के अंतर्गत शिवरी नारायण। ठीक, जगह का नाम क्या? शिवरी नारायण। जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के अंतर्गत क्या आपका? शिवरी नारायण में आकर महानदी से मिल जाती है। समझ में आ गया? जांजगीर चांपा के अंतर्गत कौन सा स्थान? तो शिवरी नारायण में आकर क्या हो जाता है? ये जो क्या है आपका शिवनाथ नदी वो महानदी से मिल जाता है। इसके अलावा शिवरी नारायण में एक और नदी मिलती है महानदी से जिसका नाम है जोंक नदी। कौन सी नदी? जोंक नदी। शिवरी नारायण में कौन सी एक नदी आकर मिल रही है? इससे जोंक नदी मिल रही है। और ये जो जोंक नदी है इसके उद्गम से संबंधित दो स्थान है, एक है पिथौरा पहाड़ महासमुंद में और दूसरा है आपका क्या है? दूसरा सोनबेरा का पठार उड़ीसा। अभी वर्तमान में अगर पूछे तो सोनबेरा पठार लगाइएगा आप, अगर सोनबेरा पठार नहीं रहा तो पिथौरा पहाड़ लगाइएगा। क्लियर है? तो तीन कौन सी नदियां शिवरी नारायण में मिल रही है? तो ध्यान में रखेंगे आप क्या? महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। ये तीन नदियां कहां पर मिल रहा है? तो ये मिल रहा है जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में। एक और त्रिवेणी संगम आप क्या देखे थे? राजिम में, जहां पर महानदी, पैरी नदी और सोंडूर नदी मिल रहा था। समझ में आ गया? अब ये जो महानदी है ना, ये जांजगीर चांपा के एक और स्थान पर पहुंचती है और स्थान का नाम है शिला देही। ठीक है, कौन सा स्थान? शिला देही। शिला देही तो आपको याद होगा, हम पढ़ रहे थे पूर्वी बघेलखंड का पठार, जब पढ़ रहे थे तो उस पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी, वहां पर क्या एक कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत से निकल रही थी क्या आपकी हसदो नदी। कौन सी नदी? हसदो नदी या हसदेव नदी, है ना। और ये जो हसदेव नदी है ये जांजगीर चांपा के शिला देही नामक स्थान पर क्या हो जा रहा था? आकर महानदी से मिल जा रहा था। ठीक, तो हसदेव नदी कहां से निकल रही है? तो ये हसदेव नदी जो है वो निकल रही है कहां से? कैमूर पर्वत चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी से। फिर जो महानदी है ये जांजगीर चांपा के उपरांत पहुंचती है शक्ति जिले में। कौन से जिले में पहुंच रही है? शक्ति जिले में। और शक्ति जिले के अंतर्गत स्थान है चंद्रपुर। ठीक है, स्थान क्या है? चंद्रपुर। और जब चंद्रपुर में पहुंचता है कौन सा नदी? महानदी। तो महानदी में उत्तर से आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है मांड नदी। उत्तर से आकर कौन सी एक नदी मिलती है? तो मांड नदी मिलती है। उत्तर से आकर कौन सी एक नदी? मांड नदी। उत्तर से आकर मांड नदी मिलती है और दक्षिण में, दक्षिण से आकर मिलती है एक नदी लात नदी। कौन सी नदी? लात नदी। और जो लात नदी है ये रदन की पहाड़ी महासमुंद, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत महासमुंद में रदन की पहाड़ी, और रदन पहाड़ी से निकलती है कौन सी आपकी नदी? लात नदी, जो कि शक्ति जिले के चंद्रपुर नामक स्थान पर क्या हो जा रहा है? मांड नदी से मिल जा रहा है। समझ में आ गया? किससे मिल जा रहा है? मांड नदी से मिल जा रहा है। यह हो गया आपका कहां? शक्ति। जांजगीर चांपा से कहां चले गया महानदी? शक्ति जिले में चले गया। और शक्ति के उपरांत फिर जो महानदी है ये पहुंचता है रायगढ़। ठीक है, कहां पहुंचता है? रायगढ़। और रायगढ़ के उपरांत फिर महानदी पहुंचता है सारंगगढ़
बिलईगढ़, ठीक है, कौन सा जिला? सारंगढ़ बिलईगढ़ जिला। और जब सारंगढ़ बिलईगढ़ जिला ये नदी पहुंचता है तो यही वो अंतिम जिला है सारंगढ़ बिलईगढ़ जिला, जहां पर महानदी क्या हो रही है, अंतिम रूप से प्रवाहित हो रही है। मतलब सबसे अंतिम जिला कौन सा है जहां महानदी प्रवाहित हो रही है, तो वो है आपका सारंगढ़ बिलईगढ़ जिला। ठीक, इसके उपरांत जो महानदी है वो कहां पहुंच जाता है, तो ये पहुंच जाता है उड़ीसा। कहां पहुंच जाता है? उड़ीसा पहुंच जाता है। और उड़ीसा जब पहुंचता है तो छत्तीसगढ़ की कुछ और नदियां हैं जो आकर क्या हो रही है, महानदी से मिल रही है, जिसमें एक आपको ध्यान में रखना है केलो, दूसरा आपको ध्यान रखना है ईब, और ध्यान रखना है आपको सारंगी। केलो, ईब और सारंगी जो नदी है, केलो ईब और सारंगी नदी, केलो ईब और सारंगी नदी, केलो ईब और सारंगी नदी, ये जो नदियां हैं ये कहां पर मिल रही है महानदी से, तो उड़ीसा में मिल रही है, ना कि छत्तीसगढ़ में। ठीक, फिर उड़ीसा के अंतर्गत एक जगह है जिसका नाम है कटक। ठीक है, नाम क्या है? कटक। उड़ीसा में जो महानदी है ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है, किससे? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। महानदी कहां विसर्जित हो जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। समझ में आ गया पूरा महानदी का क्या फ्लो चार्ट, आपको पूरा समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। अब देखते हैं, गिनते हैं जिलों से संबंधित चीजें पूछी गई थी आपको, शिवनाथ नदी किस जिले में, मतलब कितने जिलों में प्रवाहित हो रही है, महानदी अंतिम रूप से कौन से जिले में प्रवाहित हो रही है, ठीक है, 33 जिलों के गठन के अनुसार कौन से कितने जिलों में प्रवाहित हो रही है, और 28 जिले के अनुसार कौन से या कितने जिलों में क्या हो रही है, वो प्रवाहित हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पर, अगर ये आपको फ्लो चार्ट पूरा याद रहेगा तो आपको कहीं भी कुछ रटने की जरूरत नहीं है कि महानदी कितने जिलों में प्रवाहित हो रही है, कौन कौन से जिलों में प्रवाहित हो रही है, कहां से फिर वो कौन से जिले में जा रही है, ऐसा सब कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ये फ्लो चार्ट याद रखना है। आप महानदी से संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चन क्या कर लेंगे, यहीं से बना लेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, महानदी सबसे पहले कौन से जिले में प्रवाहित हो रही है, धमतरी, है ना, तो एक क्या हो गया धमतरी, फिर दो कांकेर, बालोद, फिर से धमतरी आ जाएगी, इसको काउंट मत करना, है ना, तो एक दो तीन, बालोद तक क्या हो गया तीन, फिर गरियाबंद चार, रायपुर पांच, महासमुंद छह, बलौदाबाजार सात, जांजगीर चांपा आठ, शक्ति नौ, रायगढ़ दस और सारंगढ़ बिलईगढ़ ग्यारह। तो वर्तमान में जो महानदी है वो टोटल कितने जिलों में प्रवाहित हो रही है, 11 जिलों में प्रवाहित हो रही है। कितने जिलों में, तो 11 जिलों में प्रवाहित हो रही है। समझ में आ गया? अब पूछा है क्या गया है आपको क्वेश्चन में कि 33 जिलों के गठन के अनुसार महानदी 9 जिलों में प्रवाहित होती है, ऐसा बोल रहा है, तो 33 जिलों के अनुसार महानदी 9 जिलों में प्रवाहित नहीं हो रही है। 33 जिलों के अनुसार महानदी कितने जिलों में प्रवाहित हो रही है, तो 11 जिलों में प्रवाहित हो रही है। 33 जिलों के गठन के उपरांत कौन से दो नए जिलों में प्रवाहित हो रही है, तो एक शक्ति और दूसरा सारंगढ़ बिलईगढ़ जिले में प्रवाहित हो रहा है, है ना। जो पांच नए जिले बने हैं उनमें से कौन से दो जिले, तो ध्यान में रखिएगा आप, महानदी जो है वो शक्ति और सारंगढ़ बिलईगढ़ दो नए जिले में प्रवाहित हो रहे हैं। 28 जिले के अनुसार जो महानदी है वो कितने जिलों में प्रवाहित हो रहा था, तो वो 9 जिलों में प्रवाहित हो रहा था। 33 जिलों के अनुसार महानदी कितने जिलों में प्रवाहित हो रहा है, तो 11 जिलों में प्रवाहित हो रहा है। शिवनाथ नदी के संबंध में आपको क्या पूछा गया है, शिवनाथ नदी जो छत्तीसगढ़ है उसके कितने जिले में, 8 जिले में प्रवाहित होती है, ऐसा बोल रहे हैं। गिन लेते हैं, मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी राजनांदगांव एक दो, दुर्ग तीन, बेमेतरा चार, मुंगेली पांच, बलौदाबाजार छह, बिलासपुर सात और जांजगीर चांपा आठ। क्लियर है? तो शिवनाथ नदी जो है वो कितने जिले में प्रवाहित हो रही है, 8 जिले में प्रवाहित हो रही है। ये भी क्लियर, समझ में आ गया? अब यहां पर जितना आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं, यहां से आपको हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है महानदी अपवाह तंत्र में। जैसे जितना आपको ये ऊपर से आकर मिलती हुई नदियां दिख रही है, ये महानदी में उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं। जितना आपको ये नीचे नदियां दिख रही है, ये क्या है, महानदी में दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं। क्लियर हो रहा है बात को? ठीक है, अभी इन सब चीजों से भी क्वेश्चन है, तो इस फ्लो चार्ट को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? किसी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पांच नए जिलों के गठन उपरांत महानदी 9 जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक, क्या बोल रहा है, पांच नए जिलों के गठन उपरांत महानदी 9 जिलों में प्रवाहित होती है, तो क्या हो रहा है, नहीं, महानदी 11 जिलों में प्रवाहित हो रहा है।
पांच नए जिलों के गठन उपरांत महानदी कितने जिलों में प्रवाहित हो रहा है? 11 जिलों में प्रवाहित हो रहा है। तो पहला जो कथन है वो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है? 33 जिलों के अनुसार महानदी सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले में अंतिम रूप से प्रवाहित होती है। ये बिल्कुल सही हो रहा है। अभी हमने देखा कि 33 जिलों के गठन अनुसार जो महानदी है वो सारंगढ़ बिलेगढ़ में अंतिम रूप से क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तीसरा क्या बोल रहा है? महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में प्रवाहित हो रही है। सही है ये भी, छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। और चौथा क्या बोल रहा है? शिवनाथ नदी सर्वप्रथम राजनांदगांव जिले में प्रवाहित होती है। तो सर्वप्रथम राजनांदगांव जिले में भी प्रवाहित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सबसे पहले कौन से जिले में प्रवाहित हो रहा है? तो अभी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में ये प्रवाहित हो रहा है। कहां हो रहा है? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में प्रवाहित हो रहा है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का जब गठन नहीं हुआ था, है ना, तब वो क्या हो रहा था? सर्वप्रथम राजनांदगांव जिले में प्रवाहित हो रहा था। लेकिन अभी वर्तमान में वो कहां पर प्रवाहित हो रहा है? तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में प्रवाहित हो रहा है। समझ में आ गया? छाटना क्या है आपको? तो असत्य कथनों की पहचान करें बोला। तो कौन कौन सा सत्य है? पहला और चौथा असत्य है। कहां पर दिख रहा है? सी में दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला बोल रहा है, महानदी में उत्तरी भाग से मिलने वाली नदी, ठीक है, उत्तरी भाग से जितने भी मिलने वाली नदियां हैं उनको क्या करना है आपको? पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, उत्तर से मिलने वाली नदियों को देख लिए थे, अभी जस्ट बनाया हुआ फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट के बाद आपके पास क्वेश्चन है, उत्तर से मिलने वाली जो नदियां हैं उनको आपको पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है। चलो जल्दी से बनाओ। चलो पहले लिख लेना है, अगर ऐसे कभी भी आपको क्वेश्चन मिले कि उत्तर से मिलने वाली नदियां, दक्षिण से मिलने वाली नदियां, तो सबसे पहले आप बनाएंगे क्या, कौन कौन सी नदी उत्तर से मिल रही है, कौन कौन सी नदी जो है वो दक्षिण से मिल रही है। जो ये आपका महानदी है, महानदी, इस महानदी में उत्तर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले यहां आकर क्या मिल रहा है आपका? शिवनाथ। कौन सी नदी मिल रही है? शिवनाथ। शिवनाथ के बाद आपने क्या देखा था? हसदेव। शिवनाथ के बाद हसदेव, और हसदेव के बाद एक नदी आप याद रखना कि एक बुरई नदी भी है जो क्या होती है, महानदी में मिलती है। बुरई के उपरांत आप ध्यान देना यहां पे मांड, मांड के बाद केलो, ईब और सारंगी, ये सारी नदियां क्या है? महानदी में उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं। क्या है? महानदी में उत्तर से मिलने वाली नदियां। दक्षिण से मिलने वाली नदियों की बात करूं तो आपको पता है यहां पर क्या हो रहा था, एक दूध नदी है, दूध के उपरांत सिलियारी, सिलियारी के उपरांत सोंढूर, सोंढूर से फिर पैरी, पैरी के उपरांत बलमदेही, बलमदेही से फिर जोंक, और जोंक के उपरांत फिर लात नदी। ये सारी नदियां क्या है? दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है। बोल रहा है क्या? बोल रहा है नदियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में क्या करना है आपको? व्यवस्थित करना है। तो पूर्व से कौन नदी है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, तो पश्चिम तक आपको आना है। पूर्व से पश्चिम तक आपको आना है। समझ में आ रहा है बात? तो देखिए ये क्या हो गया आपका? पूर्व हो गया, और ये क्या हो गया आपका? पश्चिम हो गया, है ना। तो पूर्व में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, इधर से ध्यान दीजिए आप, सारंगी, ईब, केलो, मांड, बोरई, हसदेव और शिवनाथ, है ना। अब आइए आप इधर क्वेश्चन में, केलो दिख रहा है, शिवनाथ दिख रहा है आपको, शिवनाथ को तो आप यहीं पे काट दीजिए जहां पर शिवनाथ आपको पहले से दिख रहा है, ठीक है। दूसरा डी में भी शिवनाथ दिख रहा है, इसको भी आप काट दीजिए, दो ऑप्शन क्या हो गए आपके, ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गए, है ना। आपको किधर से ध्यान रखना है? तो उड़ीसा साइड से ध्यान रखना है। कहां से ध्यान रखना है? उड़ीसा साइड से, कौन कौन सी नदियां मिल रही है। अब बच रहे दो ठो केलो, केलो वाला, है ना। तो केलो, केलो के बाद क्या था आपका? मांड था कि बुरई था, मांड था कि बुरई था, मांड था। तो ये क्या हो जा रहा है आपका? सी आपका आंसर हो जा रहा है, केलो, मांड, बुरई, हसदेव, और हसदेव के उपरांत इधर क्या है फिर आपका? शिवनाथ नदी है। क्लियर, बना लेंगे। क्वेश्चन सिर्फ आपको पूछ नहीं रहे हैं कि आप उत्तर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, और क्या पूछ दे रहा है उसमें, उत्तर से जो मिलने वाली नदियां हैं उसमें से भी पूर्व से पश्चिम के क्रम में कौन कौन सी मिल रही है, और
पश्चिम से पूर्व पूछे चाहे पूर्व से पश्चिम पूछे, अगर आपको वो फ्लो चार्ट याद है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने अभी यहां पर लिखा कि उत्तर से कौन कौन सी मिल रही है और दक्षिण से कौन कौन सी मिल रही है, ऐसा आप बनाएंगे पहले अपना एक फ्लो डायग्राम, उसके बाद ही क्या करेंगे अपना आंसर देंगे। ऐसे क्वेश्चनों को आपको गलत नहीं करना है, समझ में आ गया, नहीं तो क्या लगेगा, पाप, और पाप नहीं लगवाना है, समझ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है महानदी के तट पर स्थित शहरों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करें, बोल रहा है। क्या बोल रहा है, महानदी के तट पर स्थित शहरों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। चलो आप बताते जाना मेरे साथ कि पहले आप आंसर देंगे। चलो पहले आप आंसर दीजिए, दे दिए, चलो देख लेते हैं क्या देखना है अपने को, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर कौन कौन सी नदियां हैं। तो एक अपन क्या कर लेते हैं, एक लाइन खींच लीजिए, सबसे लास्ट में आप इधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ देखे, रायगढ़ देखे और उसके बाद शक्ति देखे। शक्ति से शुरू करते हैं अपन, शक्ति, शक्ति में एक महत्वपूर्ण स्थान क्या देखा था आपने, चंद्रपुर। शक्ति में कौन सा स्थान देखा आपने, चंद्रपुर। शक्ति के बाद नीचे कौन सा जिला था, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण। जांजगीर चांपा के नीचे फिर क्या आपका, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के अंतर्गत याद रखना आप पलारी, बलौदा बाजार में क्या, पलारी। बलौदा बाजार के फिर नीचे क्या आपका, महासमुंद। बलौदा बाजार के नीचे क्या आपका, महासमुंद। और महासमुंद के अंतर्गत सिरपुर, महासमुंद के अंतर्गत सिरपुर। और महासमुंद से फिर नीचे क्या आपका, रायपुर। और रायपुर के अंतर्गत जगह आपका आरंग, और रायपुर के नीचे गरियाबंद, और गरियाबंद के अंतर्गत आपका राजिम। इतने से आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाएं, दक्षिण से उत्तर के क्रम में जमाएं, ठीक है। उत्तर से जमाने बोलेगा तो चंद्रपुर से शुरू करना है, और दक्षिण से जमाने बोलेगा आपको तो कहां से शुरू करना है, राजिम से शुरू करना है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक। अब हम बनाते हैं, क्या बोल रहे हैं, महानदी के तट पर स्थित शहरों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब कहां शुरू करना है आपको, राजिम से, है ना। राजिम कहां पर दिख रहा है, सीधा सीधा पहले में ही दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, सभी ऑप्शन को चेक करना है, ठीक। पहला क्या बोल रहा है, आरंग, आरंग से सिरपुर, सिरपुर से पलारी, फिर शिवरी नारायण। दूसरा क्या बोल रहा है, चंद्रपुर, चंद्रपुर को डायरेक्ट कह सकते हैं आप, दक्षिण से उत्तर बोल रहे हैं तो डायरेक्ट क्या है, उत्तर का शहर है, तो यह क्या हो गया आपका, कट गया। फिर शिवरी नारायण है, शिवरी नारायण को भी आप काट सकते हैं, शिवरी नारायण भी उत्तर में नजर आ रहा था आपको जांजगीर चांपा जिले में, ठीक। तो ये दोनों को क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट एलिमिनेट कर लीजिए। अब यहां पर देखना है आपको आरंग और राजिम में, तो आरंग, आरंग के ऊपर क्या सिरपुर है, है। सिरपुर के ऊपर पलारी है, है। पलारी के ऊपर शिवरी नारायण है, है। मैच हो रहा है ये, और सी क्या बोल रहा है, राजिम, राजिम के ऊपर फिर आरंग, आरंग के ऊपर सिरपुर, और सिरपुर के ऊपर पलारी। देखो दोनों व्यवस्थित हैं, दोनों ऑप्शंस क्या हैं आपके, व्यवस्थित है, कैसे, तो दक्षिण से उत्तर के क्रम में, लेकिन सबसे ज्यादा दक्षिण में कौन सा है, तो राजिम है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आरंग के भी नीचे कौन सा एक शहर है, तो राजिम शहर है ना, और राजिम के ऊपर फिर क्या हो जाएगा आपका, आरंग, और आरंग के बाद सिरपुर, सिरपुर के बाद पलारी, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, क्या हो गया आंसर आपका, सी हो गया, है ना। अगर मान के चलो यहां पर ये नहीं रहता तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता। तो हर क्वेश्चन के दो आंसर सही हैं, आपको एट टाइम पर क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों ऑप्शनों में से भी कौन सा जो ऑप्शन है वो ज्यादा सही है। ऐसा आपको आयोग बार बार क्वेश्चन पूछता है, जहां पर आपको लगेगा कि नहीं ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन वहीं पर आपको डिसाइड करना है अपने स्वविवेकी शक्ति से कि कौन सा जो ऑप्शन है वो ज्यादा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है महानदी पर निर्मित संगम के विषय में कथनों पर विचार करें। संगम के विषय में क्या करना है आपको, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है राजिम में महानदी पैरी सोंडूर का संगम होता है। दूसरा बोल रहा है संगम पर अष्टमुखी कुलेश्वर महादेव का शिवलिंग है। तीसरा बोल रहा है यहां महादेव को पिड़िया अर्पित किया जाता है। चौथा बोल रहा है पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेला आयोजित होता है जिसे पुन्नी मेला कहा जाता है। और पांचवा बोल रहा है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसे अर्धकुंभ का दर्जा दिया गया है। और छांटना क्या है आपको, निम्न में से कौन सा जो कथन है वह असत्य है, गलत कथन छांटना है। चलो छांटियो जल्दी, छांट लिए, चलो पढ़ लेते हैं। महानदी पर निर्मित जो त्रिवेणी संगम है उसके बारे में हम
एक चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। संगम, ठीक, त्रिवेणी संगमों के बारे में पढ़ लेते हैं, जहां पर महानदी से और दो अन्य नदियां मिल रही हैं। पहला है आपका क्या, राजिम, ठीक, क्या है, राजिम। राजिम के अंतर्गत आप ध्यान देना, संगम, किन किन नदियों का संगम हो रहा है, तो ध्यान देना आप, महानदी, पैरी और सोंढूर, महानदी, पैरी और सोंढूर, इन तीन नदियों का क्या हो रहा है, संगम हो रहा है, कहां पर, राजिम में। और इन तीन नदियों के संगम पर क्या है आपका, कुलेश्वर महादेव मंदिर है, क्या है, कुलेश्वर महादेव मंदिर है। और ये जो कुलेश्वर महादेव मंदिर है, इसमें जो शिवलिंग है वो पंचमुखी है, क्या है, पंचमुखी शिवलिंग, पंचमुखी शिवलिंग। और ये जो पंचमुखी शिवलिंग है ये छत्तीसगढ़ में एकमात्र है, छत्तीसगढ़ में एकमात्र शिवलिंग है जो कि पंचमुखी है, कहां पर, राजिम, राजिम के अंतर्गत महानदी पैरी सोंढूर के संगम पर जो कुलेश्वर महादेव का मंदिर है वो पंचमुखी महादेव क्या क्या है, एकमात्र शिवलिंग है, ठीक, समझ में आ गया। यहां पर जो संगम है, यहां पर माघ पूर्णिमा से, कब से, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेला लगता है, ठीक है, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेला लगता है, जिसे पुन्नी मेला कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पुन्नी मेला कहा जाता है, या इसी को माघी पुन्नी मेला भी कहा जाता है। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसे अर्ध कुंभ का दर्जा दिया गया है, क्या किया गया है, अर्ध कुंभ का दर्जा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसे अर्ध कुंभ का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है, ठीक। जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पूर्व सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली, है ना, उनके द्वारा क्या किया गया था, इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग, और इसे प्रयाग के अंतर्गत जो मेला होता है अर्धकुंभ, जो कुंभ का मेला होता है उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ का इसे क्या कहा गया, अर्धकुंभ कहा गया, या अर्धकुंभ का दर्जा इसको दिया गया था। जब वर्तमान में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए इसे क्या कह दिए, पुन्नी मेला कह दिए। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो अर्धकुंभ मेले के नाम से जाना जाता था, या छत्तीसगढ़ के कुंभ मेले के नाम से जाना जाता था। अब इसको किस नाम से जाना जा रहा है, तो पुन्नी मेला या माघी पुन्नी मेला के नाम से जाना जा रहा है, जो कि कब से कब तक हो रहा है, तो माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक हो रहा है, समझ में आ गया। इसके अलावा जो राजिम क्षेत्र है, ठीक, कौन सा क्षेत्र है आपका, जो राजिम क्षेत्र है, यहां पर क्या है, राजीव लोचन का मंदिर है, राजीव लोचन मंदिर राजिम क्षेत्र में, राजीव लोचन मंदिर, है ना, ये जो मंदिर है इसका निर्माण, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो विलास तुंग ने कराया था। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया था, विलास तुंग ने कराया था। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया, विलास तुंग ने, जो कि किस वंश के शासक थे बोलेंगे, तो नल नाग वंश के शासक थे। आगे जब हम अभी इतिहास शुरू करेंगे जियोग्राफी के बाद, तब हम इसके बारे में और क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और यहां पर जो प्रतिमा है, ठीक, वो किसकी है, तो भगवान विष्णु की प्रतिमा है। राजीव लोचन मंदिर के अंतर्गत किसकी प्रतिमा, तो भगवान विष्णु की प्रतिमा। और ये जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है ये काले पत्थर से निर्मित है, किससे निर्मित है, काले पत्थर से निर्मित है, किससे निर्मित, काले पत्थर से निर्मित भगवान विष्णु की प्रतिमा है। कौन से मंदिर में,
तो राजीव लोचन मंदिर राजिम में, ठीक, और इसी मंदिर में प्रसाद के रूप में भगवान राजीव लोचन जी को क्या किया जाता है, पीड़िया अर्पित किया जाता है। क्या किया जाता है? पीड़िया अर्पित किया जाता है। राजीव लोचन मंदिर में क्या किया जाता है? पीड़िया अर्पित किया जाता है। चलो जितने लोग जुड़े हैं, है ना, अभी वो बताएंगे कि पीड़िया कैसे बनता है, किस आटे से बनता है, और बनाने के बाद आपको क्या करना है, मुझे लाकर खिलाना है। खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? खिलाओगे ना, खिलाना पड़ेगा आपको। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना पढ़ा रहा हूँ, है ना, आपके लिए फ्री क्लासेस लेकर आए हैं कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के द्वारा, तो आप क्या करेंगे, बदले में पीड़िया खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? पीड़िया खिलाएंगे। समझ में आ गया? चलते हैं आगे। अपना आगे क्या है, एक और संगम क्या देखा था हमने, शिवरी नारायण पे, ठीक है, कहां पर एक संगम देखा हमने, शिवरी नारायण में। शिवरी नारायण में कौन कौन से नदी का संगम है, तो आप देखे थे महानदी, शिवनाथ, और क्या देखे थे अपन, जोंक नदी। महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी, इन तीनों नदियों के संगम पर नर नारायण मंदिर, नर नारायण मंदिर और जगन्नाथ मंदिर है। नर नारायण मंदिर और जगन्नाथ मंदिर है, ठीक, इन तीनों नदियों के संगम पर क्या, नर नारायण मंदिर और जगन्नाथ मंदिर है। साथ ही शिवरी नारायण क्यों प्रसिद्ध है, तो शिवरी नारायण में ही माता सबरी के द्वारा, जब भगवान श्री राम क्या थे, वनवास काल में थे, तो माता सबरी के द्वारा यहां पर ही क्या किया गया था, भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाए गए थे। क्लियर है? क्या किया गया था, माता सबरी के द्वारा भगवान राम को यहां पर अपने जूठे बेर खिलाए गए थे। इसी कारण माता सबरी के नाम पर ही इस स्थान का नाम क्या है आपका, शिवरी नारायण है। क्लियर है? इसके अलावा शिवरी नारायण के अलावा फिर आप ध्यान रखना चंद्रपुर, है ना, क्या, चंद्रपुर। चंद्रपुर में कौन कौन सी तीन नदियों का संगम, तो महानदी, मांड नदी और लात नदी। महानदी, मांड नदी और लात नदी, इन तीनों नदियों के संगम पर माता चंद्रहासिनी का मंदिर है। माता चंद्रहासिनी का मंदिर, माता चंद्रहासिनी का क्या है, यहां पर मंदिर है, माता चंद्रहासिनी का मंदिर। और इस माता चंद्रहासिनी के मंदिर में प्रतिदिन बकरे की बलि दी जाती है। समझ में आ गया? संगम, पहला संगम कहां, राजिम। तो राजिम के अंतर्गत कौन कौन से नदियों का संगम, बोलिए मेरे साथ, महानदी, पैरी, सोंडूर, है ना। इस महानदी पैरी सोंडूर के संगम पर कौन सा मंदिर, कुलेश्वर महादेव का मंदिर, जहां पपर शिवलिंग कैसा, तो पंचमुखी। पंचमुखी शिवलिंग छत्तीसगढ़ में किस नंबर का, तो एक नंबर का, और मात्र एक नंबर का, ठीक है, कि एक मात्र क्या है, पंचमुखी शिवलिंग है। दूसरा क्या, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेला, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जा रहा है, तो पुन्नी मेला के नाम से जाना जा रहा है। पिछली सरकार के द्वारा इसको क्या दर्जा दिया गया था, तो अर्ध कुंभ का दर्जा दिया गया था। राजीव क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा एक मंदिर, तो राजीव लोचन मंदिर, जिसका निर्माण किसके द्वारा, विलास तुंग के द्वारा। विलास तुंग किस वंश के शासक, तो नल नाग वंश के शासक। यहां पर जो प्रतिमा है वो किसकी है, भगवान विष्णु की है, जो किससे निर्मित है, पत्थर से। कैसे पत्थर से, तो काले पत्थर से, है ना। और प्रसाद के रूप में यहां पर क्या अर्पित किया जाता है, पीड़िया अर्पित किया जाता है। समझ में आ गया? अगला है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में कौन कौन से तीन नदियों का संगम, तो महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी का संगम। महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी का संगम, ठीक है। संगम पर कौन सा मंदिर, नर नारायण मंदिर, और नर नारायण मंदिर के अलावा जगन्नाथ भगवान का मंदिर। फिर तीसरा क्या, चंद्रपुर। चंद्रपुर में महानदी, मांड और लात नदी का संगम, जहां पर कौन सा मंदिर, माता चंद्रहासिनी का मंदिर, जिसमें प्रतिदिन बकरे की बलि दी जाती है। समझ आ गया? अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, राजीव में महानदी पैरी सोंडूर का संगम होता है। बिल्कुल सही है, महानदी पैरी सोंडूर का संगम होता है। संगम पर अष्टमुखी कुलेश्वर महादेव का शिवलिंग है। अष्टमुखी है क्या, नहीं है भाई, क्या है, पंचमुखी है, पंचमुखी। इसलिए क्या हो जा रहा है, सेकेंड ऑप्शन गलत।
यहां महादेव को पीढ़िया अर्पित किया जाता है। महादेव को पीढ़िया अर्पित किया जा रहा है क्या? नहीं, भगवान विष्णु को, नारायण को क्या किया जा रहा है? पीढ़िया अर्पित किया जा रहा है। इसलिए तीसरा कथन भी क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। चौथा क्या बोल रहा है? पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेला आयोजित होता है, जिसे पुण्य मेला बोलते हैं। सही है? नहीं, पौष पूर्णिमा नहीं है मेरे भाई, क्या है ये? माघ पूर्णिमा है। क्या है? माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक क्या होता है? मेले का आयोजन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? पुण्य मेला कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसे अर्धगुंभ का दर्जा दिया गया है, यह कथन क्या है? सत्य है। और अपने को क्या छांटना है? निम्न में से कौन सा जो कथन है वो क्या है? असत्य है। एक दो तीन असत्य है, दो तीन चार असत्य है, तीन चार पांच असत्य है, कि सभी सत्य है? क्या लगा है आंसर? ठीक, क्या पूछ रहा है? असत्य। असत्य क्या है? तो दो तीन और चार, दो तीन चार कहां दिख रहा है? बी में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। समझ में आ गया? क्लियर है? किसी कुछ डाउट? नहीं, ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगला बोल रहा है, महानदी के विभिन्न नामों से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला बोल रहा है, महानदी को ऋषितुल्य कहा जाता है। दूसरा बोल रहा है, स्कंद पुराण में महानदी को क्या कहा गया है? नीलोत्पला कहा गया है। तीसरा बोल रहा है, वायु पुराण में इसे चित्रोत्पला कहा गया है। चौथा बोल रहा है, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा एवं छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। कौन सा जो कथन है वह सत्य है? एक दो तीन सत्य है, एक और तीन सत्य है, एक और चार सत्य है, कि सभी सत्य है? बनाइए, बना लिए। देखिए, अब जो महानदी है, इस महानदी का सबसे प्राचीन नाम, महानदी का सबसे प्राचीन नाम क्या है? तो कनक नंदिनी है। क्या है? कनक नंदिनी। ठीक है, इसके अलावा महानदी को सतयुग, ठीक है, कौन सा युग? सतयुग। सतयुग के अंतर्गत वायु पुराण, सतयुग, सतयुग के अंतर्गत वायु पुराण में इसे कहा गया है नीलोत्पला। ठीक है, क्या कहा गया है? नीलोत्पला कहा गया है। दूसरा, द्वापर युग, द्वापर युग, द्वापर युग के अंतर्गत स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में इसे चित्रोत्पला कहा गया है। चित्रोत्पला, ठीक, क्या कहा गया है? चित्रोत्पला कहा गया है। साथ ही महानदी को ऋषितुल्या, महानदी, छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं, महानदी को ऋषितुल्या कहा जाता है, सही है। स्कंद पुराण में महानदी को नीलोत्पला कहा गया है, नीलोत्पला कहा गया है क्या? नहीं, चित्रोत्पला कहा गया है, तो ये गलत हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है? वायु पुराण में इसे चित्रोत्पला कहा गया है, नहीं, वायु पुराण में इसको नीलोत्पला कहा गया था, तो ये भी गलत हो गया। और चौथा क्या बोल रहा है? महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा एवं छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, ये सही है। तो आपका एक और चार सही है, कहां दिख रहा है? सी में। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, महानदी प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ के किन जिलों के मध्य सीमा निर्धारण नहीं करता? बोल रहा है, क्या बोल रहा है? किन जिलों के मध्य सीमा निर्धारण नहीं करता? रायपुर गरियाबंद, रायपुर महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा और सक्ती, इनमें से कौन सा वो दो जिला है जिनके मध्य महानदी प्राकृतिक रूप से सीमा नहीं बनाता है? तो रायपुर और गरियाबंद के मध्य बनाता है, रायपुर और महासमुंद के मध्य भी बनाता है, बलौदा बाजार एवं जांजगीर चांपा के मध्य भी बनाता है, लेकिन जांजगीर चांपा एवं सक्ती के मध्य नहीं बनाता। ये अभी सक्ती एवं रायगढ़ के मध्य क्या करता है? जिला, जो दो जिले हैं उनके मध्य सीमा बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, जांजगीर चांपा एवं सक्ती के मध्य जो महानदी है वो क्या नहीं करता? सीमा नहीं बनाता। ठीक है, किसके किसके मध्य बनाता है? सक्ती एवं रायगढ़। तो रायपुर गरियाबंद, रायपुर महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा और सक्ती और रायगढ़ के मध्य क्या करता है? जो महानदी है वो प्राकृतिक रूप से सीमा बनाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किस पौराणिक ग्रंथ में शिवनाथ नदी को सुनी नदी कहा गया है? शिवनाथ नदी जो है इसको सुनी नदी कहा गया है। चलो बनाओ जल्दी। ठीक, तो ध्यान देना आप कि ये जो शिवनाथ नदी है इसको मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है? सुनी नदी कहा गया है, कि मत्स्य एवं वामन पुराण में कहा गया है, कि मत्स्य एवं गरुड़ पुराण में कहा गया है, कि सिर्फ गरुड़ पुराण में कहा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, जो शिवनाथ नदी है इसको सुनी नदी, मत्स्य पुराण
एवं वामन पुराण में कहा गया है। किसमें कहा गया है? मत्स्य पुराण एवं वामन पुराण में कहा गया है। ठीक, इसके अलावा गरुड़ पुराण में जो शिवनाथ नदी है इसको शिवा नदी कहा गया है। क्या कहा गया है? शिवा नदी कहा गया है। ठीक है, तो मत्स्य एवं वामन पुराण में शिवनाथ नदी को सुनी नदी और गरुड़ पुराण में इसको शिवा नदी कहा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिवनाथ नदी के तट पर स्थित शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें, बोल रहे हैं। तो देखो, उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसको व्यवस्थित करो। तो ध्यान दीजिएगा आप, जब हम अभी फ्लो चार्ट बनाए थे शिवनाथ नदी महानदी का, जब एक साथ अपन फ्लो चार्ट में देखे थे, तो हम क्या क्या देखे थे कि जो शिवनाथ नदी है वो कैसे कैसे जा रहा था? मोलामानपुर अंबागढ़ चौकी, मोलामानपुर अंबागढ़ चौकी से फिर वो कहाँ जा रहा था? तो राजनांदगांव, फिर दुर्ग, दुर्ग से फिर बेमेतरा, बेमेतरा से मुंगेली, मुंगेली से फिर कहाँ जा रहा है वो? तो वो जा रहा है बलौदा बाजार, फिर बलौदा बाजार से बिलासपुर। ठीक, तो जो बलौदा बाजार है, बलौदा बाजार के अंतर्गत जैसे कि आप देखेंगे तो बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में दामाखेड़ा और बलौदा बाजार के अंतर्गत सोमनाथ, जहां पर क्या हो रहा था? शिवनाथ और खारू नदी का संगम हो रहा था। बलौदा बाजार के नीचे आप क्या देखें? तो मुंगेली ना, मुंगेली में मधुकु द्वीप, मुंगेली के नीचे आप क्या देखें? बेमेतरा, बेमेतरा के अंतर्गत नांद घाट, बेमेतरा के नीचे फिर क्या आपका? दुर्ग, तो दुर्ग में आपका नगपुरा, इसके अलावा खुद दुर्ग शहर। ये क्या है? उत्तर से दक्षिण में क्या है? शिवनाथ नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है। तो सबसे ऊपर क्या हो गया? दामाखेड़ा, फिर सोमनाथ, फिर मधुकुद्वीप, फिर नाथघाट, फिर नगपुरा, फिर दुर्ग। अब दक्षिण से बोलेगा जमाने तो दुर्ग शुरू करना है, और उत्तर से बोलेगा जमाने तो कहां शुरू करना है? दामाखेड़ा से शुरू करना है। कहां पर दिख रहा है? दामाखेड़ा एक ही में दिख रहा है, साथ में सोमनाथ भी दिख रहा है। दुर्ग वाले को क्या कर दीजिए आप? यहीं पर एलिमिनेट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाना है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाना है मतलब आपको बलौदा बाजार से आना है, ठीक है, ना कि दुर्ग से। साथ ही इनमें से कोई नहीं भी हो गया, क्योंकि दामाखेड़ा सामने में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर अरेंजमेंट आपको नजर में आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट इनमें से कोई नहीं को आप क्या नहीं कर सकते? एलिमिनेट नहीं कर सकते, जब तक कि आप दोनों ऑप्शनों को और जो बचे हुए हैं उनको आप सही से पढ़ ना ले। तो दामाखेड़ा, दामाखेड़ा के बाद सोमनाथ, सोमनाथ के बाद मधुकुद्वीप, मधुकुद्वीप के बाद नांदघाट, और नांदघाट के उपरांत नगपुरा। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित है, बिल्कुल व्यवस्थित है। तो पहले ही क्या हो जा रहा है? आंसर आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जा रहा है। फिर भी एक बार चेक कर लीजिए आप कि सोमनाथ है, सोमनाथ के बाद दामाखेड़ा, फिर नांदघाट, फिर दुर्ग, फिर नगपुरा। तो ये दुर्ग और नगपुरा क्या हो गया यहाँ पे? सही सेट नहीं है। पहले क्या होता? नगपुरा होता, और साथ ही यहाँ पर सोमनाथ और दामाखेड़ा भी क्या है? सम्मिलित नहीं है। इसलिए क्या हो जा रहा है आपका? गलत हो जा रहा है। इसमें ए हो गया है, इसको सी कर लेना, है ना। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जा रहा है आपका? गलत हो जा रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मधुकुद्वीप के संबंध में कथनों पर विचार करें, बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मधुकुद्वीप के संबंध में कथनों पर विचार करना है आपको। पहला क्या बोल रहा है? इस द्वीप को विष्णु पुराण में मंडुक द्वीप कहा गया है। विष्णु पुराण में क्या कहा गया? इस द्वीप को मंडुक द्वीप कहा गया है। दूसरा बोल रहा है यहाँ प्रतिवर्ष फरवरी माह में मसीही मेला होता है। तीसरा बोल रहा है यह मेला, मतलब ये जो मसीही मेला है, यह भारत का सबसे बड़ा मेला है। और चौथा बोल रहा है यह द्वीप शिवनाथ नदी द्वारा निर्मित है। फिर क्या छांटना है आपको? सत्य कथन छांटना है। तो ये जो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, इस द्वीप को विष्णु पुराण में मंडुक द्वीप कहा गया है, बिल्कुल सही है। इस द्वीप का उल्लेख किस में है? तो विष्णु पुराण में है। और किस नाम से है? तो मंडुक द्वीप के नाम से है, ठीक। दूसरा क्या? यहाँ प्रतिवर्ष फरवरी माह में मसीही मेला होता है, बिल्कुल सही है। ये भी 6 से 12 फरवरी वो समय है जहां पर क्या होता है, हर वर्ष जो मधुकुद्वीप है उस मधुकुद्वीप में मसीही मेला होता है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि इस बार जो फरवरी 2023 में मसीही मेला हुआ वो किस क्रम का मसीही मेला था? 109, 108, 110, 112 बताइए। तीसरा, यह भारत का सबसे बड़ा मेला है क्या? नहीं है।
भारत का जो सबसे बड़ा मेला है वो प्रयागराज में होने वाला कुंभ मेला है। कौन सा मेला है? कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा और साथ ही संपूर्ण विश्व का भी सबसे बड़ा मेला है। कौन सा? प्रयागराज में होने वाला कुंभ मेला। और जो कुंभ मेला है वो कुल कितने स्थानों पर होता है? तो कुल 4 स्थानों पर कुंभ मेला होता है। कहां कहां बताइए? तो प्रयागराज, इसके अलावा हरिद्वार के अलावा उज्जैन, और उज्जैन के अलावा नासिक। ये 4 वो स्थान हैं जहां पर क्या होते हैं? कुंभ मेले होते हैं, और हर 12 वर्ष के बाद होते हैं। कब होते हैं? तो हर 12 वर्ष के बाद होता है, है ना। तो जो कुंभ मेला है वो कितने वर्षों में होता है? तो 12 वर्षों में होता है। 12 वर्ष में क्या होगा, कहां पर होगा? प्रयागराज में। प्रयागराज के बाद हरिद्वार के उपरांत उज्जैन के उपरांत नासिक। यहां क्या होते हैं? कुंभ मेला होते हैं हर 12 वर्ष में एक बार। पहले 12 वर्ष में यहां, फिर उसके बाद यहां, फिर यहां, फिर यहां, ठीक है। क्या होता है आपका? कुंभ मेला होता है। इसमें से जो प्रयागराज में कुंभ मेला होता है यह विश्व का सबसे बड़ा मेला है। चौथा बोल रहा है यह द्वीप शिवनाथ नदी द्वारा निर्मित है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। सत्य कथन की पहचान करना है तो आपको, तो एक दो और 4 क्या है आपके? सही है। कहां पर दिख रहा है? सी में दिख रहा है। 1, 2 और जो 4 है कथन आपके, वो क्या है? सही है। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। महानदी एवं शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र कहां विस्तृत है? दोआब का मतलब क्या है? दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। तो जो महानदी है और शिवनाथ नदी है, इसका दोआब कहां विस्तृत है, ये आपको पूछा जा रहा है। रायपुर एवं दुर्ग जिले में, रायपुर एवं बेमेतरा जिले में, दुर्ग एवं बेमेतरा जिले में, इनमें से कोई नहीं। तो रायपुर एवं दुर्ग जिले में महानदी एवं शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र विस्तृत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अलग है, बोल रहा है। सिर्फ क्या छांटना है आपको? अलग छांटना है। इन 4 में से 3 एक समान है और 1 क्या है आपका? अलग है। खैरागढ़ चंद्रपुर राजिम और सोमनाथ क्या अलग नजर आ रहा है आपको इसमें? तो आप पाएंगे कि जो खैरागढ़ है यहां पर भी 3 नदियों का संगम हो रहा है। कौन कौन से 3 नदियों का संगम हो रहा है? तो आमनेर, मुस्का और पिपरिया। चंद्रपुर में भी 3 नदियों का संगम हो रहा है। कौन कौन सा? महानदी, मांड और लात। राजिम में भी 3 नदियों का संगम है, महानदी, पैरी, सोनढोर। और सोमनाथ में कौन से 2 नदियों का संगम है? तो शिवनाथ और खारून। तो सोमनाथ क्या है आपका? अलग है। जहां पर क्या हो रहा है? 2 नदियों का संगम हो रहा है, और बाकी 3 जो स्थान है वहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? 3 नदियों का संगम नजर आ रहा है। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला बोल रहा है गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गंधेश्वर मंदिर, ये जो गंधेश्वर मंदिर है ये महादेव का मंदिर है और महासमुंद में है। महादेव का मंदिर है और कहां पर है? महासमुंद में है, और महासमुंद में महानदी के तट पर है। कौन से नदी के तट पर है? महानदी के तट पर है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? महानदी आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? ये था हमारा आज का और महानदी अपवाह तंत्र का आखिरी क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया आपको? आ गया। आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा कल अगले वीडियो में जो हम लेकर आएंगे आपके लिए, वो रहेगा आपका गोदावरी अपवाह तंत्र, जिसमें हम गोदावरी अपवाह तंत्र के सारे प्रवाह क्षेत्र, उसके सभी सहायक नदियों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो
तो आपको क्या करना है, लाइक और कमेंट करना है, जिससे हम क्या रहें, उत्साहित रहें, हमको लगे कि हाँ हमारे द्वारा जो जो प्रयास किया जा रहा है वो आप सभी को पसंद आ रहा है और हम इस उत्साह को और आगे बढ़ाते हुए आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश लगातार करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।